ये देखिए ऑटोमेटिक कार का ये गियर लेवल है, और आप जब भी गाड़ी चलाएंगे पहले तो आपको ब्रेक अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। ब्रेक अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद आपको ड्राइव मोड में दे देना है। ये देखिए ये ड्राइव मोड है, इसको आप ड्राइव मोड में ये देखिए इस तरह दे देना है। फिर धीरे धीरे आप जब भी देखिए छोड़ेंगे तो देखिए गाड़ी कैसे आगे चल रहा है। देखिए बढ़िया तरीके से आगे चल रहा है गाड़ी। देखिए इस तरह से आप धीरे धीरे से एक्सीलेटर दबाएंगे और ब्रेक देंगे तो रुक जाएगा। फिर आपको जाना है तो एक्सीलेटर थोड़ा थोड़ा दबाएंगे तो देखिए गाड़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है। देखिए इस तरह ये ड्राइव मोड पे चल रहा है, और मैं आपको रिवर्स मोड पे दिखाऊंगा चला के। ये देखिए ये पूरी तरह से ये जो ब्रेक है उसको प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आर का निशान है, आपको आर मोड में दे देना है। देने के बाद ये देखिए ये ब्रेक पेडल को बहुत ही धीरे 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 छोड़ना है। देखिए ये थोड़ा थोड़ा से धीरे धीरे छोड़ने के बाद फिर एक्सीलेटर दबाइए। देखिए गाड़ी पीछे जा रहा है इस तरह से, देखिए पीछे की ओर जा रहा है गाड़ी। देखिए बढ़िया तरीके से पीछे जा रहा है गाड़ी, ये आप देख पा रहे हैं। देखिए गाड़ी पीछे की तरफ जा रहा है। देखिए देखिए बढ़िया तरीके से पीछे की तरफ से जा रहा है। देखिए बढ़िया तरीके से धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है। देखिए बढ़िया तरीके से, देखिए ये देखिए पीछे की तरफ गाड़ी जा रहा है। ये बैक गियर में दे तो देखा आपने इस तरह से बैक गियर में और ड्राइव मोड में चलाते हैं, और जब भी आप धक्का चाहिए आप ब्रेक को प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर आप न्यूट्रल में रख लीजिए, गाड़ी खड़ा हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आप नज़र पाएंगे देख पाएंगे एन है, यानी कि ये गाड़ी न्यूट्रल है। आप बहुत ही आसान तरीके से गाड़ी को चला सकते हैं। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए।